अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक सफ़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज जो है ना, हम आपको दिखा रहे हैं जी स्ट्रीट व्यू इराक़ का जी। और जिस रोड पर इस वक्त हम जा रहे हैं जी, ये रोड है जी हिल्ला शहर है जी इराक़ का। हिल्ला से ये रोड निकलता है और जाता है जी जनाब कासिम है इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के बेटे, उनके मज़ार तक जी। तो हम इस रोड से गुज़र रहे थे तो मैंने कहा कि आपको ये एक वीडियो बना के दिखा देते हैं जी। और हम जो है ना हिल्ला से होते हुए और इमाम ये कासिम के जो है ना इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के जो बेटे हैं, इनके मज़ार से होते हुए हम जा रहे हैं जी डायरेक्ट ईरान बॉर्डर पर। लेकिन ये वीडियो जो है ये हिल्ला से लेकर जनाब कासिम के मज़ार तक जो है ना ये वीडियो मैंने बनाई है। इसमें आप देख सकते हैं कुछ रूरल एरियाज़ भी आते हैं, कुछ जो है ना शहरी जो है ना शहर वाली जगह जो है ना वो कम है। लेकिन रोड पे हमने ये बहुत सारे जो है ना ये देखे हैं जी। ये आप देख सकते हैं ये जलूस जो जा रहे हैं जी, ये जनाब कासिम के मज़ार पर जा रहे हैं। और आज कोई मखसूस दिन है मेरे ख़्याल में जी, आज जनाब कासिम की शहादत का दिन है। ये इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। तो जब हम जनाब कासिम के मज़ार पर पहुँचे तो वहाँ पर जो है ना बहुत रश था। तो कोई मखसूस दिन था जी ये कन्फर्म मैंने नहीं किया ये कौन सा दिन था, लेकिन लोग जो है ना जोक दर जोक आ रहे थे रोड पर, जो है ना औरतें आ रही थी, मर्द आ रहे थे, अलम लोगों ने उठाए हुए थे। तो मैंने ये सुना कि इराक़ में जो है ना अहले सुन्नत जो है ना जो सुन्नी मुस्लिम हैं वो ज़्यादा हैं। लेकिन जब मैंने ये इराक़ विज़िट किया है तो मुझे तो लगता है कि यहाँ पे शिया मुस्लिम ज़्यादा है, क्योंकि जहाँ भी हम गए हैं जिधर भी हम गए हैं ये हमें जो है ना शिया जो मुस्लिम हैं वही नज़र आए हैं, लेकिन सुन्नी मुस्लिम कम नज़र आए हैं। लेकिन हो सकता है क्योंकि मेरी इंफॉर्मेशन गलत हो, मैं गलत हूँ, सुन्नी मुस्लिम ज़्यादा हूँ। वैसे तो सुन्नी मुस्लिम भी जो है ना वो भी हमारे भाई हैं, हम जो है ना हमारा उनसे कोई झगड़ा नहीं है, वो भी हमारे भाई हैं। और जहाँ तक मैंने देखा है कि यहाँ पर जो है ना शिया मुस्लिम हर जगह पे नज़र आए हैं, हर जगह पे नज़र आए हैं जी। ये आप देख सकते हैं रोडों पर ये लोग जा रहे हैं जोक दर जोक जनाब कासिम के मज़ार की तरफ, और पैदल जा रहे हैं जी, गाड़ियों पर नहीं नज़र आ रहे। हो सकता है गाड़ियों पर भी जा रहे हों, लेकिन पैदल जो है ना ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। लोगों ने अलम उठाए हुए हैं और जा रहे हैं, और रास्ते में यहाँ पे मौक़ब लगे हुए होते हैं खाने पीने का जो है ना, जहाँ पे ये अहले बैत के मज़ार हैं जी इनके अतराफ़, और जो इनको रोड जाते हैं उन रोडों पे जो है ना आपको पानी खाना रिहाइश जो है ना सब कुछ फ्री मिलता है। ये आप ये देख सकते हैं ये लगे हुए मौक़ब खाने पीने के लिए रिहाइश के लिए। ये देखें औरतें मर्द जा रहे हैं जी, आज मखसूस दिन है कोई जी अहले बैत के। ये देखें व्हील चेयर पर एक औरत जा रही थी, तो कोई मखसूस दिन है जिसकी वजह से ये लोग पैदल जा रहे हैं। ये भी मौक़ब लगा हुआ है जी, और यहाँ पे आपको पानी मिलता है, खाने का सब कुछ मिलता है। लेकिन अब तो जो है ना चेहलम भी ख़त्म हो चुका है, तो फिर भी जो है ना लोग जो है ना ये मौक़ब लगा के बैठे हुए हैं। तो जो मैंने जहन अपना जो है ना दौड़ाया कि ये लोग पूरा साल जो है ना पैसे जो है ना जोड़ते हैं, इकट्ठे करते हैं, कमाते हैं, और चेहलम इमाम हुसैन पे जो है ना ये सारे साल की कमाई जो होती है वो लगा देते हैं। ये देखिए ये भी मौक़ब है, तो जगह जगह पे ये मौक़ब लगे हुए होते हैं खाने पीने की, आपको सब कुछ फ्री मिलता है। और ये रोड आप देख सकते हैं कुछ ज़्यादातर रूरल एरियाज जो है ना हमें नज़र आ रहे हैं जी, शहरी आबादी कम है इस रोड पर। ये हिल्ला से हम निकले हैं जी और जा रहे हैं जी। ये देखिए ये बंदा आगे से आके गाड़ी रोक रहा है, रोकते इसलिए हैं कि रुक जाएं हमारे पास खाना खाएं फिर आप जाएं। तो ये तो इधर तो कम है, जो रोड नजफ़ से करबला जाता है वहाँ पे लोग जो है ना गाड़ियों के आगे आके लेट जाते हैं कि खुदा का वास्ता है, इमाम का वास्ता है कि हमारे पास जो है ना आप खाना खा के जाएं, क्योंकि इमाम कल को हमें ये ना कहें कि मेरे मेहमान आए थे तो आपने उनको खाना नहीं खिलाया। तो लोग जो है ना आके गाड़ी के आगे जो है ना लेट जाते हैं, हमारे पास ठहरें खाना खाएं फिर आप जाएं। तो ये भी आप देख सकते हैं जी एक रोड है, और रोड की साइड पे जो है ना लोग एक साइड पे मुनज़्ज़म तरीके से जो है ना जा रहे हैं जी। इमाम की शहादत है,
जनाब कासिम की, जो कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, इनकी मज़ार है इधर। इस जगह का नाम भी कासिम है, अल कासिम इसको बोलते हैं जी। ये हिल्ला से निकले हैं और हिल्ला और करबला के बिल्कुल दरमियान में, जितना यहाँ से हिल्ला सफ़र है उतना ही सफ़र जो है ना करबला है। तो ये आप देख सकते हैं रूरल एरिया है जी, ये बिल्कुल पाकिस्तान की तरह आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे ये रक्शे भी चल रहे हैं, गाड़ियाँ भी हैं, बसें भी हैं, छोटी गाड़ियाँ भी हैं। और ये देखें पैदल लोग जा रहे हैं, औरतें हैं, मर्द हैं, बच्चे हैं, लोगों ने जो है ना अलम उठाए हुए हैं। तो बहुत सारे जो है ना लोग पैदल जा रहे हैं। ये देखें ये एक डाले पे लोग सवार हैं, ये रक्शा जा रहा है, ये इस रक्शे पे कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, औरतें हैं, ये भी आप देख सकते हैं। ये भी जो है ना कुछ उधर से होकर अभी ये वापस जा रहे हैं। और ये टोटल रूरल एरिया, ये आप देख सकते हैं खजूरों के बाग हैं साथ, और लोग जो है ना जोग दर जोग जो है ना जा रहे हैं, बच्चों को साथ लेकर जा रहे हैं। और पूरा इराक मैंने घूमा है जी, इतना भी घूमा है, वहाँ पे जो है ना मुझे ये महसूस हुआ है कि अहले बैत को जो है ना अलग अलग करके, अकेला अकेला करके जो है ना कत्ल किया गया है। क्योंकि किसी इमाम की कहीं पे कब्र है, किसी शहजादे की कहीं पे कब्र है, किसी बीवी की कहीं पे कब्र है, अहले बैत को इतना तंग करके, इतना अकेला करके कत्ल किया गया है, इतनी मज़लूमियत में कत्ल किया गया है कि उनकी सैदाद की कब्रें भी एक जगह पर जो है ना नहीं बन सकी। क्योंकि आप देख सकते हैं किसी भी ख़ानदान की जब कोई बंदा मरता है या फौत होता है तो लोगों ने अपने एक ही जगह पे कब्रिस्तान बनाए हुए होते हैं, एक ही जगह पे दफन करते हैं। ये दुनिया में वहद ख़ानदान ये होगा अहले बैत का, जिनकी कब्रें जो है ना आप पूरे मिडल ईस्ट में जाएं तो कहीं ना कहीं आपको नज़र आ जाएंगी। सऊदी अरब में जाएं और इस इराक में जाएं, ईरान में जाएं, तो ज़्यादातर जो कब्रें हैं अहले बैत की वो इराक में हैं और बाकी मुल्कों में भी हैं जी। और इस अहले बैत को इतना तंग किया गया है कि इनकी कब्रें जो है ना एक साथ नहीं बन सकी, एक इनका कब्रिस्तान नहीं बन सका। तो ये आप देख सकते हैं ये साथ साथ रूरल एरियाज़ हैं जी, ये खजूरों के दरख्त हैं साथ, ये घर हैं, आबादियाँ हैं। तो अल कासिम से जो है ना अब हम बाहर निकल चुके हैं जी और ये रोड पर जा रहे हैं। रोड व्यू भी आप देख सकते हैं जी, आपके सामने है जी, आपको दिखाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कोई ना कोई अच्छा या बुरा जो आपको अच्छा लगे वो आप एक कमेंट ज़रूर करें मेरी वीडियो के नीचे, ताकि मुझे पता चले कौन कौन जो है ना मुझे देख रहा है, कहाँ कहाँ से देख रहा है। तो इसी जो है ना कोशिश के साथ नेक्स्ट वीडियो मैं इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊँगा। और आप जो है ना मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं जी। अल्लाह हाफिज़ जी, शुक्रिया, खुदा हाफिज़ जी।